केन्द्र कैबिनेट रे बड़ निष्पत्ति आखु चासिंग को पई आसंता अक्टोबर 2024 रु सेप्टेंबर 30 2025 मध्ये आखुर मूल्य स्थिर करबा को निष्पत्ति निया जाई छे। पूर्व वर्ष तुलना रे 2024-25 वर्ष पई क्विंटल पिछा 340 टंका स्थिर करबा को निष्पत्ति निया जाई छे। पूर्व वर्ष ए मूल्य 315 टंका रहितला जहा चलित वर्ष क्विंटल प्रति 340 टंका को वृद्धि पाई छे। अन्यपटे महिला सुरक्षा उपरे बड़ निष्पत्ति नेछंती केन्द्र सरकार। केन्द्र कैबिनेट 2021-22 2025-26 मोट 1179.72 कोटी टंका मूल्य रे महिलाओं सुरक्षा उपरे अम्ब्रेला योजना कार्यकारी करबा पई गृह मंत्रालय प्रस्ताव को अनुमोदन दिया जाय छे। सेहिपरि मोट प्रकल्पर आकलन को 885.49 कोटी टंका एमएचए निज बजेट रु प्रदान कराजिबो एवं निर्भय पांठि रु कैबिनेट 2094.23 कोटी टंका प्रदान करा जिबो। दुनिया भर में जो खाद के दाम बढ़े, हमने उसके बावजूद किसानों पर खाद के दाम नहीं बढ़ने दिए, यूरिया के दाम नहीं बढ़ने दिए। 3 लाख करोड़ रुपए तक की सब्सिडी भारत सरकार ने दी है। लगातार पिछले 3 वर्षों में काम किया, नैनो यूरिया को हम लेकर आए। और यही नहीं, मैं एक बात तो आज मैं जरूर कहना चाहता हूं। यूपीए के 10 साल में गेहूं, धान, दलहन, तिलहन, इन पर 5.5 लाख करोड़ रुपया एमएसपी की खरीद पर खर्च किया। मोदी सरकार ने 18,39,000 करोड़ खर्च किया है, जो 3.5 गुना से ज्यादा है। कहां 5.5 लाख करोड़, कहां 18,39,000 करोड़। और अगर मैं आपको दलहन की उदाहरण दूं तो 1,936 करोड़ रुपया कांग्रेस ने खर्च किया, यूपीए की सरकार ने, मोदी सरकार ने 55,000 करोड़ से ज्यादा खर्च किया। तिलहन में उन्होंने 11,000 करोड़ के लगभग खर्च किया, हमने 33-35 हज़ार करोड़ से ज्यादा खर्च किया। गेहूं पर उन्होंने 2,80,000 करोड़ खर्च किया, हमने 12,41,000 करोड़ से ज्यादा खर्च किया। और यही नहीं, अगर आप आंकड़े देखेंगे, पीएम किसान सम्मान निधि, कांग्रेस के समय ना किसान का सम्मान था ना निधि थी, ये मोदी सरकार है जिसने 2,81,000 करोड़ रुपया 12 करोड़ किसानों के खाते में डाला है। और उनके समय किसानों को मुआवजा नहीं मिलता था। हमारे समय 1,54,000 करोड़ रुपया मुआवजा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत मिला। उनके समय बैंकों से पैसा नहीं किसान को मिलता था। और 13-14 में, सन 2013-14 में 7,30,000 करोड़ रुपया मिला। जदि आपणको आम वीडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।